नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। अभी तक आपने फर्जी दरोगा सुना होगा और फर्जी डॉक्टर सुने होंगे, लेकिन कोई व्यक्ति खासकर एक लड़की अगर फर्जी आईएएस बनकर समाज को धोखा दे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश की रहने वाली मोनिका रांची के अशोक नगर में इसी तरह का ऐस आराम के साथ रह रही थी। जैसे अशोक नगर में कई आईपीएस और आईएएस अफसर रहते थे, संदार बंगला गाड़ी, ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी उपलब्ध था। आपको बता दें कि सब कुछ ठीक चल रहा था। मोनिका ने अपने माँ बाप को भी यकीन दिला दिया था कि उनकी बेटी आईएएस बन गई है। वह झारखंड के जमशेदपुर में डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थापित है। जिस तरह झूठ के पांव नहीं होते हैं, इस तरह संदेह का कारण नहीं होता है। वही मकान मालिक को शक हुआ, उसने पता लगाया, तब पता चला कि इस नाम की कोई भी महिला आईएएस ऑफिसर झारखंड में पोस्टेड नहीं है। मोनिका को मालूम नहीं था कि खुद आधा दर्जन आईएएस ऑफिसर उस अशोक नगर कॉलोनी के निवासी हैं। वही फर्जी आईएएस बनकर अपने माता पिता को धोखा देने वाली मोनिका की पोल अब खुल चुकी है। मूल बात यह है कि फर्जी आईएएस बनकर मोनिका ने कहीं किसी को ठगा तो नहीं, क्योंकि झारखंड में ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए हैं, जब फर्जी अफसर बनकर लोगों को नौकरी दिलाना, ठेका दिलाना आदि के नाम पर पैसे वसूले गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मोनिका किसी को ठगने के लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के बीच अपने कामयाबी का सिक्का जमाने के लिए शॉर्टकट अपनाया था। वही अब जीवन भर का यह कलंक मोनिका के माथे पर ही रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड के तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।